हेलो रत्ना जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये न्यूज़ क्लिक है, मेरा नाम सत्यम है और एनसी हैंगआउट हमारे शो का नाम है। कैसी हैं आप? बहुत मजे में जी। मौसम भी अच्छा हो रहा है हमारे मुंबई का आजकल। अच्छा, मुझको लगता है कि मुंबई के लोगों ने बारिश को ना एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे ना करें, दिल्ली वालों ने नहीं किया कभी। आपके यहाँ पड़ती भी तो थोड़ी थोड़ी है ना आजकल। अभी जैसा आज हमारे किसी दिल्ली के हमारे दोस्त ने कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं पड़ती, बारिश और जगह पड़ती है, पानी हमको झेलना पड़ता है। तो ये इस साल तो हुआ ही हुआ। हाँ। क्या हाल हुआ है हमारे नॉर्थ का, पहाड़ों का। तौबा तौबा, बहुत बुरा हाल। चार्ली चोपड़ा में कैसा लगा काम करके विशाल भारद्वाज के साथ? आई थिंक पहली बार कर रही हूँ एंड कई सालों से इच्छा तो बहुत थी। हाँ। विशाल की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, उसका काम जनरली मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका म्यूजिक तो बहुत ही खास है। उन्होंने हमारे कई नाटकों के लिए म्यूजिक दिया है, तो उनके साथ पुराना रिश्ता है, लेकिन मुझे उन्होंने कास्ट करने लायक समझा नहीं। एनीवे फाइनली हुआ एंड आई एंजॉयड इट थरली। इट्स अनसम्बल कास्ट क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सबकी बैक स्टोरीज वगैरह हैं, टिपिकल एगाथा क्रिस्टी स्टाइल में। तो आई थिंक एडेप्टेशन बहुत अच्छा हुआ है फ्रॉम वेस्टर्न सेटिंग टू हमारे यहाँ का। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। आई एम ऑल्सो प्लेइंग रादर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ओल्ड पारसी लेडी हु लिव्स देयर अलोन। अभी हमने फर्स्ट एपिसोड ही देखा। जी जी, तो वो अभी और खुलेगी बातें सबकी। सो यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, इट्स अ वेल रिटन स्क्रिप्ट एंड अगर परफॉर्मेंसेज वर्क की है तो आई थिंक अच्छी बनेगी। ट्रायल बाय फायर में आपने एक सेगमेंट में काम किया था, एक स्टोरी आप लोगों की थी जी, वो कैसा एक्सपीरियंस है? होगी उपहार सिनेमा की जो ट्रेजेडी थी वो फाइनली अभी आई है और उस दौरान भी उधर से काफ़ी कोशिश की गई कि नहीं उसको होल्ड पे रख दीजिए, रिलीज़ मत कीजिए, हमारी इमेज को टार्निश किया जा रहा है। वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो 7-8 एपिसोड जो आपने काम किया है? बहुत ही टुकड़े टुकड़े में काम हुआ, इसलिए यू नो मेरे काम का क्या स्कोप है वगैरह समझ में नहीं आया, मगर कहानी जो है वो तो यस यस एंड कहानी जो है और जिस तरह से वो बताना चाह रहे थे और जिस तरह की चीज़ें वो दिखाना चाह रहे थे, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट एंड दैट्स वाई आई अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ इट। आई मीन आर सेगमेंट वॉज अ स्मॉल सेगमेंट बट इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव सेगमेंट आई थॉट एंड आई ऑल्सो फेल्ट के इस तरह के जो हमारे देश में हजारों स्कैम्स हुए हैं, हजारों इस तरह के एपिसोड्स हुए हैं जिसके लिए किसी को जवाबदार नहीं ठहराया गया और आज भी और हो रहा है जिसमें कोई खुलासा नहीं होगा। हम सबको मालूम है कि ये बात सब दब जाएगी। द पावर ऑफ मनी एंड इन्फ्लुएंस जो हमारे देश में हमेशा प्रॉब्लम रहा है, वो आज तो कुछ जाइगेंटिक प्रोपोर्शन हो गया है वो, एंड बहुत डरावनी बात लग रही है। ये किस तरह का समाज बना रहे हैं हम लोग? हर चीज़ झूठ बोलेंगे, हर चीज़ में छुपाएंगे, तो कैसा समाज बनेगा हमारा और हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, वो क्या करेंगे? वी हैव टू बी रोल मॉडल्स फॉर आर यंग पीपल ना, मगर देखो हम ही लोग क्या कर रहे हैं। मेरी जनरेशन तो मैं तो आई एम एम्बेरस्ड कि हम लोगों ने किस तरह से क्या पलटी खाए हम लोग। आप लोग अपने टाइम पर ब्लेम करते थे क्या अपने से पिछली जनरेशन को, जैसे आज की जनरेशन करती है? मतलब छोटी मोटी चीज़ों में कि हमको बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, हमको अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दी जाती, मगर हम लोग अपनी हमारे से पहली जनरेशन को खूब रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी जी, उन्होंने जिस भारत के लिए मेहनत करके जंग लड़ी है, ऑलमोस्ट तलवारों से नहीं मगर अपने विचारों से। इट हमारी हिस्ट्री में एक कमाल का वो एपिसोड है और उस एपिसोड के बलबूते पे हम हैं और आई यूज्ड टू बी टेरिबली प्राउड ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर एंड व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड। हमारा देश आसान देश नहीं है गवर्न करने के लिए और जिस तरह से जिस आगे की समझ रख के विचार पे इम्पोर्टेंस दे करके इंस्टीट्यूशंस को बनाना, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो आर्ट्स में हो, वो ज़माना था जब सारे हमारे आर्ट्स के इंस्टीट्यूशन बने, साहित्य कला अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ड्रामा स्कूल, FTII, ये क्या वाइब्रेंट अकेडमीज थी उस ज़माने में और किस तरह के लोग उसको हेड करते थे, किस तरह का विजन था उनका। आज कौन है आपको इस किसी भी अकेडमी के बारे में कुछ मालूम है? सिर्फ लोगों के नौकरियों का एक जरिया बन गया है वो। आई एम
terribly sorry by the way in which all institutions have collapsed and are being allowed to collapse. बहुत डरावनी बात है. काफ़ी प्रोटेस्ट FTII को लेकर और NSD को लेकर टाइम टू टाइम होता रहा है. जब FTII में गजेंद्र चौहान को फॉर एग्जांपल बिठाया गया था तब काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने भी किया. तो आपको मतलब ये भी तो कहा जा सकता है ना, है तो वो एक्टर ही और एक एक्टिंग स्कूल है या फिल्म स्कूल है उसमें वो लोग जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई इंसान जिसकी एक विशेष आइडियोलॉजी. मैं वही समझ कहाँ से शुरू करें, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं आप बताइए. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं पर वो माइनर हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा स्टाफ है. हर जगह देख लीजिए आप, खूब लोग भरे हुए हैं. टीचर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की टीचर्स ट्रेनर्स को डेवलप करने में, नथिंग. तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास अगर आपको बाहर क्या कहते हैं रोल्स मिल रहे हैं वगैरह, तो सब लोग उसमें घुस जाते हैं. राइट right? जिनको बाहर काम नहीं मिलता, जो और कोई ऑप्शंस नहीं है, वो टीचिंग में आ जाते हैं. ये एक रहा है सिलसिला, मगर आई वॉज होपिंग कि अब तक तो एटलीस्ट इतनी तो आंखें खुलनी चाहिए कि टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है. सो हमने वो भी नहीं किया. हमने कोई एक काडर ही नहीं बनाया ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली ट्रेन अदर्स. खुद कोई हमने थियोरेटिकल काम नहीं किया, या जो किया है वो पढ़ने लायक नहीं है. आप कोई भी एक थियोरी पेपर पढ़ के देखिए, किसी का भी लिखा हुआ हिंदुस्तानी का, बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना. और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आर्काइविंग नहीं है. तो मैं अगर आज जानना चाहूँ कि किस तरह के नाटक होते थे 1950s में बंगाल में, तो नहीं जान सकती. कोई इतनी कम आर्काइविंग है. पर्सनल कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है, नटरंग ने किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, या अपना कलकत्ता में काफ़ी कुछ हुआ है. तो दीज आर पीपल हु हैव डन इट. बॉम्बे में NCPA ने किया था एक ज़माने में, अभी तो वो भी भूल गए क्या करना है. बट ये सारी चीज़ें जो थी एक ज़माने में, जो बिल्डअप कर रहे थे मुझसे पहले की जनरेशन के लोग, जो बिल्डअप होने की कोशिश में लगे हुए थे, वो ही ख़त्म हो गई. वो तो उसके बारे में विचार भी नहीं कर रहे अभी. कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खेरा यहाँ एक्टिंग का स्कूल खोल के शुरू हो जाता है, ना उसके पास कोई क्रेडेंशियल है, ना ट्रेनिंग है. खुद इसकी नकल करके दिखाओ, उसकी नकल करके दिखाओ, इस तरह के तो क्लासेस होते हैं. वो बच्चे कभी कभी आके मिलते हैं हम लोगों से और कहते हैं कि किस तरह के काम हो रहे हैं उनके स्कूल्स में. नाम बहुत बड़े नाम वाले जो स्कूल्स हैं उनमें इस तरह का काम हो रहा है. तो अब क्या बोलें हम कि मतलब कोई सीरियसनेस है इस मामले में और इसके लिए कुछ विचार किया जाता है फ्यूचर को देख करके, वो तो है ही नहीं. और वैसे भी हम लोग आज समाज के तौर पे पीछे ही मुड़ के देख रहे हैं सारा वक्त. फ्यूचर के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रह गई. फ्यूचर मतलब AI, बस उसके बारे में आप सोचो. और कुछ नहीं चाहिए अपने को, एक कंप्यूटर, एक वो हाथ में कुछ एक फ्रेम दे दो, हो जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा अपने आप. कैसे आएगा भाई? कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं यूरोप में इन दी आर्ट्स, इन एवरी आर्ट. मैं तो थिएटर की बात करती हूँ क्योंकि मुझे उसका मालूम है, बाकी मुझे कुछ मालूम ही नहीं है. मगर आप किसी को भी पूछो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गवर्नमेंट का, हाथ धो के झटक के अलग हो जाते हैं. सो दीज आर वेरी सैड टाइम्स फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ थिएटर एंड फिल्म इन आर कंट्री. फिल्म अपने आप करेगी अपनी डिवेलपमेंट, क्योंकि उसमें इतना पैसा लगता है कि उस पैसे की रिकवरी के लिए बहुत मेहनत होती है. नाटक बेचारा दरिद्र इंसान की तरह. मुंबई में भी ऐसा ही है क्या? मुंबई में तो बहुत नाटक लोग एक्टिवली करते हैं और चार भाषा में करते हैं, कम से कम चार भाषा. उसमें कन्नड़ और तेलुगु और तमिल भी आ जाता है कभी कभी. सो एटलीस्ट चार भाषा में रेगुलरली यहाँ नाटक होते हैं, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती. एक्चुअली मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी. हिंदी में सबसे कम एक्चुअली. तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई सिर्फ थिएटर करके अपना जीवन यापन कर सके. और दिल्ली का जो इंसान थिएटर कर रहा है उसका लक्ष्य वही है कि उसको मुंबई पहुंचना है और वहां जाकर फिल्में करनी है, वेब सीरीज करनी है या आगे बढ़ना है. मुंबई का जो इंसान थिएटर कर रहा है, क्या वो जीवन यापन अपना कर सकता है थिएटर करते हुए फुल टाइम, अगर कोई थिएटर ही करना चाहे और भी सोचे कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन आगे लेकर जाना चाहता हूँ? बड़ा लिमिटेड सा जीवन होगा, मुश्किलों में होगा, हो सकता है, और कॉन्स्टेंटली हाथ पैर मारने पड़ेंगे. मगर ऐसा भी नहीं है कि फिल्मों में वो नहीं करना पड़ता. ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत आसान जीवन है. मतलब चार लोग तरक्की कर लेते हैं पर उसके पीछे 40,000 जो हैं, जो कोविड के टाइम पे देखा ही था, देख ही लिया. बहुत
क्या फर्क, एस्टैब्लिश्ड लोग थे वो कह रहे थे कि भाई सामान बेचना पड़ रहा है एम्प्लॉइज को पे करने के लिए. बिल्कुल. सो नाउ दिस इज द सिचुएशन. तो हम लोग वी हैव लेफ्ट इट एंटायरली टू कॉमर्स ना कि आप लोग संभालो, नेवर माइंड. पर उसमें से हाथ झटक के और मेहनत करके और यू नो देर इज अ डिजायर टू टू यूज दिस मीडियम इन इट्स बेस्ट पॉसिबिलिटीज. डॉक्यूमेंट्री में वो बहुत देख रही हूँ मैं आजकल, सचमुच अलग तरह की चीज़ें, सचमुच अलग तरह के सब्जेक्ट्स और उनके प्रेजेंटेशन. ऑल दैट ब्रीड्स फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ ब्यूटिफुल फिल्म रियली. एंड इस तरह की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं विच आर टेलिंग स्टोरीज दैट आई डोंट हियर अबाउट अदरवाइज. सो दैट इज द पर्पज ऑफ फिल्म ऑल्सो. तो ये सब चलता रहेगा फिल्मों में. नाटक में क्या हो पाएगा इज द बिग क्वेश्चन. थिएटर में क्या हो पाएगा? कोविड की वजह से तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है थिएटर का, पर्टिकुलरली जो कमर्शियल थिएटर गुजराती मराठी में होता था उनका काफ़ी नुकसान हुआ है. उनको वापस अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में काफ़ी टाइम और तकलीफ हो रही है. सो यस, हम लोग परफॉर्म करते हैं पृथ्वी थिएटर में, 200 सीट का थिएटर है. उसमें से अगर हमारा कॉस्ट कवर हो जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. उसमें पैसे कमाने का तो कोई सिलसिला नहीं है. सो ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क इन अदर एंसिलरी थिंग्स. मगर ये बॉम्बे की पुरानी आदत है, ये हमेशा होता था. एक ज़माना था जब बम्बई में मराठी नाटक जो करते थे, मराठी प्रोफेशनल नाटक जो करते थे, वो एट द सेम टाइम बैंक में या रेलवेज में या टाटा कंपनी में या बिरला में या वालचंद कंपनी में, इस तरह की अलग अलग कंपनीज में काम करते थे, जैसे क्रिकेटर्स करते हैं आज. एंड इन देयर स्पेयर टाइम शाम को दफ्तर के बाद रिहर्सल सिर्फ 6 बजे के बाद शुरू होती थी और रात को फिर जब तक हो तब तक चलती थी. तो ये सारा दिन रिहर्सल करना तो मैंने सुना ही नहीं था. ये जब हम लोग पहली बार इंग्लैंड गए तब पता चला कि अच्छा ऐसा करते हैं ये लोग, पूरा पूरा दिन रिहर्सल करते हैं एक्टर्स. हमको तो लगता था कि शाम को ही होती है रिहर्सल. दिल में तो काम करना है. दिल में तो और काम करना होता है. सो बहुत सालों तक ये रहा. अभी टेलीविजन हैज़ हेल्प्ड टू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सेवरल एक्टर्स, नो डाउट. आप जब बड़ी हो रही थी आप सुप्रिया जी के साथ अपने परिवार में, तो किस तरीके का माहौल परिवार में था जितनी आपको समझ या साहित्य की या थिएटर की या फिल्म्स की या एक्टिंग की या राजनीति की जो बनी है वो कहाँ से आपको विरसे में मिला है या आपने उसको ग्रो किया है? कुछ हद तक विरसे में ही कहूँगी ना, क्योंकि हमारे घर में ही इतने अलग अलग किस्म के लोग थे. मेरी दोनों मौसियाँ थिएटर से कनेक्टेड थी. मेरे मामा जो थे ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन थिएटर, बट ही यूज्ड हिज इंटरेस्ट इन अ डिफरेंट वे. वो बच्चों के लिए बहुत चीज़ें करते थे. ही यूज्ड टू रन अ स्मॉल क्लब फॉर चिल्ड्रन इन दैट एरिया. बच्चों का एक क्लब, बालोद्यान नाम का एक क्लब चलाते थे. सो ऑल ऑफ माय फैमिली फ्रॉम माय मदर्स साइड डेफिनेटली वाज वेरी कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेवलपिंग अ न्यू इंडिया. उसमें उनका बहुत वक्त भी बीता है और दिलचस्पी भी बहुत रही है और काम भी बहुत किया है उन्होंने इस एरिया में. शुरू में तो बहुत देर तक इप्टा में, फॉर एग्जांपल, माँ और शांता गांधी, उनकी बड़ी बहन, तो दे वर वर्किंग कंटिन्यूसली इन इप्टा फॉर मेनी मेनी इयर्स. तरला मेहता द यंगर सिस्टर आल्सो जॉइंड इन अ लिटिल लेटर, बट माँ एंड शांता जी दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन इप्टा. And they were Communist Party members. Huh. So they had a different mindset, a different way of looking at the world. वो मुझे definitely कहानियाँ सुनने को मिली, उनके लोग दोस्त मिले, उनके जैसे और लोग मिले. For example, अली सरदार जाफरी से माँ की बहुत अच्छी दोस्ती थी, कैफी साहब से दोस्ती थी, विश्वामित्रा आदिल से दोस्ती थी. तो ऐसे लोग शलील चौधरी के घर जाते थे, हम लोग ऐसे ही गप्पे मारने. ऋषिकेश मुखर्जी के यहाँ माँ मुझे ले जाती थी छुटपन में भी कि चल चल मिलाती हूँ तुमको. बिमल रॉय के घर जाते, तो इस तरह के लोगों के साथ मैं तो बात नहीं करती थी, मैं तो बहुत छोटी थी और बेवकूफ़ थी. मगर ये सब आसपास है और कान में पड़ता है और ये ज़बानें सुनने को मिलती हैं और ये लोग देखने को मिलते हैं. कितने कमिटेड, कितने एक्साइटेड. किसी के पास पैसा नहीं, मगर अपनी ज़िंदगी में फुल जोश से जीना, ये जो देखा मैंने, दैट वाज अ वेरी स्पेशल वे ऑफ ग्रोइंग अप. मेरे पिताजी की फैमिली स्लाइटली अलग थी. वो दिल्ली के थे और पंजाबी फैमिली के थे, मगर आर्य समाजी, तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज. इनफैक्ट मेरे दादा ने तो काफ़ी काम भी किया है टू सेट अप डी ए वी इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट लाइक दैट.
एंड ऑल्सो बहुत दिलचस्पी थी इन एजुकेशन उन लोगों को. सो दैट वॉज अनदर काइंड ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट इट. बिल्कुल विपरीत, ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये RSS टाइप का माहौल. तो ये बिल्कुल ही दो विपरीत इन्फ्लुएंसेस मेरी जिंदगी में थे और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग थे. डिस्कशंस, डिबेट्स, और डिस्कशंस, डिबेट्स, झगड़े, लड़ाइयाँ, मारपीट, सब कुछ होता था और मज़ा भी आता था मुझको. मुझे कभी डर नहीं लगा डिस्कशन से. आज हो सकता है ऐसे? ना जी, कभी नहीं. हाय तौबा, परिवार में दो, हाय तौबा, इतने ऑपोजिट व्यूज के लोग साथ में दो सेकंड नहीं बैठ पाते आज. सिर्फ लोग, हम लोग अपने अपने पॉकेट में घूम रहे हैं, हम लोग एक तरह के पॉकेट में घूम रहे हैं, यू नो ट्रोल टाइप के लोग उन्हीं उसी दिशा में घूम रहे हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुनने को मिल रही. और मैं कहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. एक ग्रीक्स थे जो करते थे कॉन्फिडेंटली और इनकरेज करते थे, एक हम थे. चर्चा वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन. हर जगह पे चर्चा, हर जगह पे बातचीत, हर जगह पे यू नो ट्राइंग टू कन्विंस पीपल, जोर से नहीं, डरा करके नहीं, बट आइडियाज से. ना भैया आपके आइडियाज में गड़बड़ है तो फिर आप गलत कम्युनिकेट करोगे, मगर फिर भी द पॉइंट इज कि डिस्कशन वॉज एनकरेज्ड. कब खत्म हुआ ये, आपने नोटिस किया? आई थिंक बाई द टाइम आई ग्रोन अप, मेरे आसपास तो बहुत था. जब हम लोग कॉलेज में गए, आई फाउंड अ होल न्यू सेट ऑफ डिस्कसर्स एंड डिबेटर्स, बिल्कुल ही अलग लोग. ये तो मेरे सिर्फ परिवार के थे, ये तो और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, और उनका भी बहुत यही मूड रहा. जिस तरह के लोगों के साथ मैं घूमी फिरी हूँ सारी जिंदगी, वो ऐसे ही रहे हैं लोग, चाहे वो पोलिटिकली इन्वॉल्व हो, चाहे थिएटर में इन्वॉल्व हो. थिएटर में भी डिस्कशन वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ इट. हिंदी थिएटर वर्सेज इंग्लिश थिएटर, दुबे के साथ कितने डिस्कशन हुए हैं इसके बारे में. सत्यदेव दुबे, ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन एवरीथिंग, एंड दुबे बहुत एनकरेज करता था सबको. एक ऐसा टीचर मुझे नहीं उस जमाने में मिला जिसने कहा चुप रहो, मैं तुमसे कहता हूँ मानो या कहती हूँ वो मानो. हर एक ने कहा कि ये मैं कहता हूँ, तुम क्या कहती हो. सो दैट वॉज द मूड, चाहे कॉलेज में, स्कूल में नॉट सो मच, बट कॉलेज के बाद तो डेफिनेटली NST में भी जो हमारे टीचर्स थे, एटलीस्ट दे एनकरेज्ड डिस्कशन. आज तो वही बंद हो गया कम्प्लीटली. मतलब जो स्कूल में होता है कि टीचर बोर्ड पे लिखती है और तुम चुपचाप कॉपी में उतारो और एग्जाम में दे दो, ये अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में हो रहा है. माई गुडनेस, किस तरह के आर्टिस्ट प्रोड्यूस करेंगे हम लोग. आर्ट नहीं मान सकता रूल्स, सिर्फ आर्ट का मकसद ही है रूल्स तोड़ना, तभी तो आर्ट पैदा होगा, नहीं तो जो पैदा होगा वो आर्ट नहीं माना जाएगा, वो प्रोपेगेंडा माना जाएगा. कम्युनिस्ट पार्टी ने करके देखा और बिल्कुल असफल रहे, देख लो. अब ये ट्राई कर रहे हैं, देख लो, देखेंगे हम उनका भी क्या होगा. नहीं होता, यू कैनॉट बुलडोज अ होल नेशन. और हिंदुस्तान, भारत, जो भी कहना चाहो आप उसको तो बुलडोज कोई नहीं कर पाया यार. ब्रिटिश ने इतनी कोशिश की, उससे पहले कितनों ने कोशिश की, कर पाए? ऑन द कंट्री, यहाँ के आके यहाँ के बन गए वो लोग, देख लो. आप किसी ऐसे एक्टर के साथ जिसकी विचारधारा आपसे इतर है, लेकिन आपको काम करने को मिल रहा है और आप उनके साथ काम कर रही है, तो वो आड़े आती है विचारधारा कभी? नहीं नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों की विचारधारा जो भी हो, काम करते वक्त तो एक स्क्रिप्ट है ना हाथ में, तो ये कभी मैटर नहीं करता. आई सपोज अगर कोई डायरेक्टर हो जिसकी विचारधारा से मैं तालमेल ना बिठा पाऊँ तो शायद मुश्किल हो सकती है. कहानी अगर हो तो, कहानी अगर ऐसी हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही ट्रेडिशनल सास बहू की कहानी है, तो उसमें तो मैं डेफिनेटली मैं खुद शामिल नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊँगी. मैं अपनी जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊँगी. तो आगे चल के बहस करने से बेहतर है ना ही कह दो. सो ये इस तरह के एक दो डिसीजन शायद लेने पड़े, लेकिन अव्वल तो मुझे इतना काम मिला नहीं कि मुझे हाय इसको भी ना कहना पड़ रहा है, उसको भी ना कहना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ. मुझे जो दो चार चीज़ें मिलती हैं उसमें से एक मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ. मिल रहा है काम तो आपको, अच्छा काम मिला, अभी मिल रहा तो है. हाँ हाँ, तो कितने साल इंतज़ार किया मैंने, कितने साल? मैं 1981 में NSD से पास आउट होकर के आई हूँ. आज देख लो कितना वक्त हो गया, इतने साल. तो और अभी पिछले 10-15 साल से ही मुझे रेगुलरली नोटिसेबल काम मिल रहा है.
जो ऑडियंस तक, मैं नाटक हमेशा करती रही हूँ मगर नाटक की ऑडियंस उस हिसाब से लिमिटेड है, लेकिन बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस और वो कंटिन्यू हो रहा है, टच वुड ये हम कर पा रहे हैं कि आगे भी हम लोग हमारे ग्रुप को जिस तरह के नाटक करना चाहते हैं उस तरह का नाटक कर पा रहे हैं अभी तक तो. सो दिस इज़ अ वेरी बिग. पर क्यों thing. नहीं मिला इसका क्या दो चीज़ें हैं, क्या आपको मलाल है कि बहुत देर से काम मिला फिल्मों में या वेब सीरीज में, और दूसरा कि आपको क्या वजह लगी अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखें? हाँ, बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है और बहुत सोचा है इसके बारे में. कुछ तो आई सपोज मैंने कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी. आई शुड हैव मेड माई सेल्फ मोर नोटिसेबल, मोर अवेलेबल. एटलीस्ट मुझे डायरेक्टर्स को जाकर के कहना चाहिए था कि आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू एक्ट. मुझे लगा कि सब जानते हैं मुझको, नाटक देखने आते हैं मेरे और तारीफ करते हैं, तो अगर मेरी ज़रूरत होगी तो बुलाएंगे मुझे. आई रियलाइज कि ऐसा नहीं होता, यू हैव टू सेल योर सेल्फ अ लिटल बिट. वो नहीं किया. एंड एक ये भी लगा कि मुझे एक्टिंग सीखने में बहुत वक्त लगा. जितना okay. काम कर मिलता है उतना इंसान फटाफट सीखता है भी है. सो फाइनली जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ, विच वॉज अराउंड से फिल्मी चक्कर के ज़माने में, एंड तारा, फिल्मी चक्कर, वो काफ़ी सब्सटैंशियल काम मिला और सब्सटैंशियल सीन्स मिले इन द प्रोजेक्ट्स, तब से मेरी डेवलपमेंट एक्चुअली अच्छी तरह से शुरू हुई. एंड हम लोग जिस तरह के नाटक करते रहे हैं उससे मेरी डेवलपमेंट हुई. बट आई ऑल्सो थिंक आई वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्टर. मुझे जितना अच्छा होना चाहिए था उतनी मैं नहीं थी तब, डेफिनेटली नहीं थी तब. और मैं 100% इम्प्रूवमेंट मुझ में हुई है. सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इसकी होती है कि मैं जहाँ थी वहाँ से काफ़ी दूर आ सकी एज एन एक्टर, और उसकी मुझे बहुत खुशी है. कौन सा काम, अगर आप इतनी बात कह रही हैं कि आप अच्छे एक्टर नहीं थी, तो कौन सा काम आपको अपना अच्छा लगा सबसे ज़्यादा अभी तक? मुझे इधर उधर अपना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग कॉमेडी. और मुझे सरप्राइज, आई सरप्राइज माई सेल्फ अ लिटल बिट. बहुत प्रॉब्लम्स हैं ऑफ कोर्स, बट दैट डजंट मैटर. बट द फैक्ट दैट आई कुड डू इवन दिस मच, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट. माया सारा भाई वो तो बहुत बाद में आया. वो तो बहुत बाद में आया भाई. माया सारा भाई आई हैड बिकम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एंड अ लिटिल मोर श्योर. यू सी एक्टर्स काफ़ी कुछ चीज़ें सही कर लेते हैं विदाउट नोइंग हाउ सही हो रही है और क्यों सही हो रही है और इसको दोबारा कैसे किया जाए. आज सही हो गई कुछ चीज़, मगर दैट्स नॉट गुड इनफ. इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल एक्टर, हर बार सही करना की हिम्मत होनी चाहिए अपने में. तो वो ज़रा कमी थी उस ज़माने में. आई हैव डिवेलप दैट एबिलिटी नाउ डेफिनेटली. उसमें जो तीन चार मेजर हाइलाइट्स रही है वो इधर उधर, उसके बाद एक उससे पहले इनफैक्ट एक हम लोगों ने नाटक किया था डॉन वान इन हेल, सत्यदेव दुबे के साथ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का लिखा हुआ. ये नाटक ने मुझे बहुत सिखाया कि मैं कितनी बुरी हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और मुझे कितना काम करना है इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में. आपको कि आपने खुद मुझे किसी ने एक बार ऐसे ही कोई शो हो रहा था हमारा, तो किसी ने ऐसे ही टेप रिकॉर्डर लगा के रिकॉर्डिंग कर दी. उस ज़माने में टेप चिपच करते हो, और वो टेप मुझे दे दी और मैंने कई दिनों तक सुनी भी नहीं, बिकॉज आई थॉट किस तरह की रिकॉर्डिंग होगी, क्या छोड़ो छोड़ो. फिर मैंने बहुत दिनों के बाद वो सुनी, और वो सुनने के बाद जो मेरी हालत हुई वो मैं ही जानती हूँ. क्योंकि आई सडनली जो मुझे चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे दुबे या कोई भी मेरे डायरेक्टर्स या नसीर, उन्होंने बहुत बार मुझे टोका कि ये सब गलत हो रहा है रत्ना, ध्यान रखो. लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं अपने आप को सुन नहीं पा रही थी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ. वो रिकॉर्डिंग ने मुझे जो सीख दी है ना, मैं उस, मुझे तो भी याद भी नहीं किसने रिकॉर्ड किया वो, मगर जो भी वो व्यक्ति है उसकी मैं लाख लाख बार शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने जो मेरे लिए फेवर किया है वो और कोई नहीं कर पाया. एंड दैट वॉज अ ह्यूज ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस. देन ऑफकोर्स देर वॉज इधर उधर एंड थिंग्स लाइक फिल्मी चक्कर वॉज गुड फन एंड आई लर्न हाउ टू हैव फन वाइल एक्टिंग. नहीं तो बहुत टेंस होते हैं एक्टर्स. सो उस चक्कर में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा. एंड देन केम इस्मत आपा के नाम, इस्मत चुगताई की कहानियाँ जो नसीर ने डायरेक्ट किया, दैट वॉज अ वेरी वेरी बिग वन. दैट रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड वॉट आई एम एबल टू डू करेक्टली नाउ, और उसमें कितनी मेहनत लगती है. 6 महीने हमने एक कहानी पे काम किया, 20 मिनट की कहानी है मेरी वाली, 25, 6 महीने एग्जैक्टली वो अपने आप पे काम.
फिर उसके बाद एक महीना और ऑन सेट, या मतलब जो भी हमारा, हम लोग तो बहुत ही यहीं रिहर्सल करते हैं आमतौर पे, तो इस तरह का काम किया है हमने उस नाट उस पीस के लिए. एंड दैट वाज रियली अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस. उसके बाद फिल्में भी मिली थोड़ी सी, विच हेल्प मी टू लर्न सम मोर अबाउट फिल्म एक्टिंग. सो धीरे धीरे प्रोग्रेशन हुआ है. जाने तू जाने ना वाज अ गुड ब्रेक थ्रू फॉर मी. आई सॉ माई सेल्फ ऑन स्क्रीन डूइंग समथिंग राइट एंड आई फेल्ट गुड अबाउट दैट. अपने गोलमाल 3 कैसे आपने देखा था? पहले ऑफ कोर्स देखी थी गोलमाल, एक देखी थी शायद, गोलमाल 1 देखा था शायद या समथिंग लाइक दैट. ओह बट आई एंजॉयड इट थरली, बहुत मुझे मजा आया. आई एंजॉयड दैट होल एक्सपीरियंस वेरी वेरी मच. इट वाज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट आई वाज यूज्ड टू. कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ वर्किंग. एंड वो फैक्ट्री प्रोडक्शन है और वहाँ दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत क्लियरली ये मैसेज बार बार मिलता है कि आप अपना दिमाग ज़रा रूम में रख के आइए प्लीज़. तो ऐसे भी माहौल में भी काम करना पड़ता है लोगों को. पर मज़ा आया वो फिल्म देखी फिर आपने? हाँ देखी. फिल्म देखने में उतना मज़ा नहीं आया जितना फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने में आया था. एक बार दोनों राइटर्स ने आ करके वो पूरी स्क्रिप्ट हमको मुझे सुनाई. आई कांट टेल यू व्हाट एन एंटरटेनिंग आफ्टरनून दैट वॉज. इतना मज़ा आया मुझे वो स्क्रिप्ट सुनने में, वो जिस तरह से उन लोगों ने सुनाई. And it was really funny, I thought. Actually, मतलब in the Hindi film format funny, but it was funny. It was stupid, but it was so nicely stupid that it was genuinely funny. The script. अभी TIS की एक report आई है, lights, camera and time for action नाम से. उसमें उन्होंने कैसे representation की कमी है Hindi film industry में इसकी बात की है. जनरली इंडिया में ही, तो जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स अगर दिए जाते हैं तो आज तक जितने भी दिए गए हैं उसमें सिर्फ 13% महिला डायरेक्टर्स को दिए गए हैं, या सिर्फ 36% फिल्में ऐसी हैं जो कि बेकडेल टेस्ट जो होता है फिल्मों का उसको पास कर पाती हैं. और दलितों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, आदिवासियों का बहुत कम है. 92% से ज़्यादा जो किरदार होते हैं वो अपर कास्ट होते हैं हमारी फिल्मों में आज भी. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दावा ये किया जाता है कि OTT के आने से चीज़ें बहुत बदली हैं, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, मौके बढ़े हैं. कुछ डिफरेंस आपको महसूस हो पा रहा है क्योंकि आपने 3 से 4 दशक का समय देखा है लगातार. हम देखते थे जो 80s 90s का टाइम था, 90s तो वो सुपर स्टारडम आ गया था, लेकिन जो 80s का या 70s का टाइम था, पैरेलल सिनेमा बन रहा था, आर्ट फिल्में बन रही थी, मजदूर हीरो था, या जो 2000s का टाइम था उसमें सिर्फ एस्पिरेशनल चीजें बना रहे थे लोग. हाँ डेफिनेटली फिल्म्स रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशंस. सो जो दुनिया में, जो सोसाइटी में हो रहा है वो डेफिनेटली दिखता है फिल्मों में, और वो दिखना चाहिए. बिल्कुल. फिल्म का एक बहुत बड़ा काम ये है कि वो हमारे ज़माने का रिकॉर्ड बन के रहे. एक यही एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो सचमुच फैक्चुअल होगा इन रियल टर्म्स, जैसा है वैसा दिखाने के लायक. एग्जैक्टली. सो बट द पॉइंट इज़ के फिक्शन फिल्म्स का वो काम नहीं है. फिक्शन फिल्म्स का काम कुछ और है. इट इज़ सपोज टू टू शो अस व्हाट ह्यूमंस आर फीलिंग एंड बिहेविंग लाइक. सो ये काम 60s 70s के दशक में काफ़ी एंथुजियास्टिकली प्रमोट किया जा रहा था और हो भी रहा था, एंड उससे पहले भी हुआ है. पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो हमारी फिल्में हैं, दे वर ऑल ट्राइंग टू create the idea of a new India. तो वो films reflected that. Unfortunately, ये जो purely mass entertainment की फिल्में, फिल्मों का दशक आया, एक तरह से अच्छा ही है कि वो एक दशक टाइप का ही रहा. उसने जो नुकसान करना था बहुत ज़बरदस्त नुकसान किया, वो दशक में ही करके ख़त्म होके हट झटक के अलग हो गए. लेकिन उससे पहले आप सोच लो, कादर खान की फिल्में, कादर खान के डायलॉग्स देखो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो मजदूरों के बातें तो करते हैं. उनकी ओपिनियन, हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड. जावेद की फिल्मों स्क्रिप्ट्स देख लीजिए, जावेद सलीम जावेद की फिल्म दीवार देख लीजिए. नाउ फॉर दीज फिल्म्स आर रिफ्लेक्टिंग द एंगस्ट अराउंड जो दुनिया में यंग लोगों के साथ हो रहा था, और जो कंप्लीट लैक ऑफ फ्यूचर दिख रहा था वो फिल्मों में रिप्रेजेंट हो रहा था. आज हम लोग एक्चुअली उसी माहौल में फिर से आ रहे हैं. एक फैट एंड हैप्पी पीरियड हमारा था शायद 90s 2000s का दशक, जहां हमको लगा कि हम लोग कल उठ करके इंग्लैंड बन जाने वाले हैं, है ना.
तो उस दशक में इंग्लैंड नहीं सॉरी अमेरिका बन जाने वाले, मगर उस दशक के जो प्रॉब्लम्स फिल्मों में है जो दिखते हैं वो भी एक रिकॉर्ड है कि इस तरह का दुनिया थी, हम लोग सचमुच हैप्पीली ब्लाइंड थे। अब गुजरात में कब तक थी, गुजरात में अब रही हैं वैसे? नहीं बहुत कभी बहुत नहीं रही, बचपन में आना जाना रहता था बट वो छुट्टियों में माँ के दोस्तों से मिलने, कोई परिवार के लोगों से मिलने, इस तरह का। बट काम नहीं किया मैंने ज़्यादा गुजरात में, गुजराती में भी नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। तो मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था कि अगर हम ये इसकी बात कर सकें कि 2002 के बाद से कैसे चीज़ें बदली हैं, अगर बदली हैं तो, क्योंकि इस समय एक्चुअली मैं इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड वहाँ उस ज़माने में गई ही नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। जो सुना है वो सिर्फ कहीं सुनी है, मगर जो देखा है वो ये है कि हम लोगों को बुलाया जाता था नाटक करने के लिए गुजरात में रेगुलरली, और सिर्फ हम लोग नहीं, मतलब हिंदी इंग्लिश नाटक करने वाले लोग बम्बई से रेगुलरली गुजरात जाया करते थे। गुजराती नाटक को तो का तो रेगुलर टूर लगता था, कुछ एरियाज़ ऑफ गुजरात में मराठी नाटक का भी टूर जाता था। और मैंने कमर्शियल गुजराती नाटक भी किया था बहुत साल पहले, तो वहाँ हम लोग 3 महीने विंटर में गुजरात जाते थे रेगुलरली, और वहाँ एवरी नाइट डिफरेंट सेंटर, या 2 दिन एक जगह करके फिर 2 दिन ट्रैवल करके फिर इस तरह से सेटअप करके। सो वो तो लंबा चला है सिलसिला। अनफॉर्चुनेटली 90s मिड से सारे इन्विटेशंस ड्राई अप हो गए, कोई हमको बुलाता ही नहीं है। 2000s में तो एक भी बार गुजरात नहीं गए हम लोग परफॉर्म करने, शायद एक बार गए हम लोग और वो भी अहमदाबाद में, नहीं तो हम लोग रेगुलरली बड़ौदा जाते थे, आनंद जाते थे, गुजरात अहमदाबाद तो जाते ही थे। वहाँ के कॉलेजेस में हमको परफॉर्म करने को सेप्ट में बुलाया, अपना NID में बुलाया हमको, कई लोगों ने बुलाया है, कंप्लीट ड्राइड अप, कंप्लीटली ड्राइड अप। वहाँ के लोग जो नाटक करते थे एक्सपेरिमेंटल थोड़ा बहुत काम चलता था, ड्राइड अप, कंप्लीटली ड्राइड अप। लेकिन अब फिर से शुरुआत हुई है क्लियरली, अभी एटलीस्ट पिछले 5-7 साल से मैं सुन रही हूँ रेगुलरली कि नए नाटक लिखे जा रहे हैं। अहमदाबाद में एक ब्लैक बॉक्स बना है जहाँ 150 सीटिंग कैपेसिटी है, वहाँ लोग आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, अलग तरह के नाटक कर रहे हैं, गुजराती में कर रहे हैं, गुजराती एक्टर्स हिंदी में भी कर रहे हैं, एक्सेट्रा। सो नाउ दिस इज अ मूवमेंट फॉरवर्ड, दे आर वेरी स्मॉल ग्रीन शूट्स, मगर है, दिखे हैं। फिल्म, गुजराती फिल्म का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वहाँ, दैट्स वेयर आई फाइंड द इंटरेस्ट। क्योंकि उससे पहले मेरी माँ और मेरी मौसी ने बहुत फिल्में की हैं गुजरात में, हाय तौबा किस तरह की फिल्में थी वो, देखनी भी पड़ती थी हमको, एंड द ह्यूमर वाज सो क्रूड। यहाँ महाराष्ट्र में दादा कोंडके को गाली देते हैं लोग, मगर दादा कोंडके हैड सम इंटेलिजेंस, वो गुजरात में जिस तरह का ह्यूमर था ना वो देख करके मैं तो सचमुच दंग रह गई थी। आपको लेबल किया जाता है क्या इंडस्ट्री में, मतलब जैसे आर्टिस्ट को किया जाता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं? सपोज करते होंगे, मेरे कान तक बात नहीं पहुंची तो मुझे क्या। तो आपके काम पर असर पड़ा है कभी इसकी वजह से? मुझे पहले बहुत कम काम मिलता था, अब उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा मिलता है सॉरी, तो आई एम ओके, अब मेरा घर चलता है बस, दैट्स गुड इनफ। ये पूछना चाह रहा था कि बहुत मतलब नॉर्मल सा सवाल है कि इतना टाइम हो गया है ना, आपने थिएटर भी किया है, फिल्में भी की हैं, वेब सीरीज भी कर रही हैं, कौन सी एक चीज है इस इंडस्ट्री की या जो आपने काम करते हुए देखा है, महसूस किया है कि उससे मतलब ऐसे ऊब सी गई है आपकी, यार ये नहीं होना चाहिए आपके काम को लेकर, या जनरली जो आप चीज़ देखती हैं? एक्चुअली मुझे ऊबने का टाइम नहीं मिला है फ्रेंकली, तो मैं पर्सनली इतना नहीं कह पाऊंगी। बिल्कुल नहीं ऊबी है, थकी नहीं है बिल्कुल? नहीं एक्चुअली नहीं, मतलब मैंने इतना टीवी नहीं किया, टीवी बहुत उबाता है, मैं थकाता है। अच्छा। वो बीच में एक फेज था, हाँ राइट, ओ यस, हाँ मैं भूल जाती हूँ, आई टेंड टू एडिट आउट ऑल द अनप्लेजेंट थिंग्स। But we don't have to talk agar aapko no 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 but I mean it is true, television can be soul deadening completely, matlab roz subah nikal ke thop ke muh pe chale jao, wohi stupid cheez haath mein aayegi, wohi stupid kaam karna padega, it can be very depressing. To yes wo ek portion tha, to television se mujhe zara dar hi lagta hai kyunki main television se bahut disappoint hui hu, mujhe bahut ummeed thi, mujhe laga tha ki television sachmuch duniya badlegi hamari uski wajah se,
आई रियली फेल्ट दैट बिकॉज सडनली एक ऐसा मीडियम था जिसपे हिंदी फिल्म का कंट्रोल नहीं था. फिल्म इंडस्ट्री का आई मीन कंट्रोल नहीं था. एंड इट वॉज एन इंडस्ट्री विच वॉज न्यू. नए लोग आ रहे थे, नए आइडियाज़ आ रहे थे, नए तरीके आ रहे थे, नए रिलेशनशिप्स बन रहे थे. सो दैट एक्साइटमेंट आई वॉज देयर इन दैट बेस्ट पार्ट ऑफ टीवी. वो जो 90s का जो अर्ली फेज था. फिर सास बहू हुए आ गई और रेस्ट इज हिस्ट्री. अब तो जानवर वगैरह आ गए, नागिन ये वो तो भी तब भी थे काफ़ी. हम साराभाई में बहुत खिंचाई करते थे नागिनों की और इन सब चीज़ों की. हमारी मोनिशा जो थी रूपाली, वो तो बेचारी नागिनों का काम भी करके आई थी. शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज लाइक. वो बहुत कहानियाँ सुनाती थी हमको कि किस तरह का काम होता है. सो आई एम सेइंग के रियली आई हैव बीन स्पेयर्ड अ लॉट ऑफ पेन इन मेनी वेज. कि मैं बहुत उबी नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ बहुत सारे फिल्म एक्टर्स को उबाती है, और मुझे भी कुछ हद तक अगर बहुत ही सड़ी हुई फिल्मों में काम करना पड़े जैसे नसीर ने किया है, तो मुझे लगता है कि जो इंतज़ार करना पड़ता है ना बिटवीन टू गुड वर्क्स तो छोड़ो, जो इंतज़ार करना पड़ता है पीरियड. अच्छा. काम मिलने के लिए इंतज़ार करो, काम मिलने के बाद एक्चुअली काम करते वक्त इंतज़ार करो. सारा वक्त बैठे हो कि अभी शॉट लगेगा तो बुलाएंगे, अभी शॉट लगेगा, शॉट हो गया, अभी दूसरा शॉट लगेगा, अभी दूसरा शॉट लगेगा तो बुलाएंगे, अभी दूसरा शॉट लगेगा, तो यही चलता रहता है सारा वक्त. And you have to train yourself to keep, to stop being worried about it and getting upset by it. You can really depress you and affect the work that you are doing. So you have to be aware of that and work towards that. तो ये एक उबाने वाली बात है, the time taken. फिर काम मिल गया, अच्छा अभी next काम क्या मिलेगा, अब उसका इंतज़ार करो. और next अच्छा काम कब मिलेगा, वो तो सालों निकल जाएंगे इंतज़ार करते रहो. सो दिस इज़ द प्रोसेस. इसीलिए मैं एक्टर्स को कहती हूँ जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, क्लियरली कहती हूँ भाई अगर बहुत इंतज़ार करने की तुम्हारी हिम्मत है पर्सनली भी और फाइनेंशियली भी, तो आओ इस बिजनेस में. गाली सुनने की, ह्यूमिलिएट होने की तुम्हारी हिम्मत है तब आओ इस बिजनेस में, नहीं तो रहने दो, कोई और धंधा ढूंढ लो. ऐसे में जब काम नहीं मिल रहा है, वेट कर रहे हैं आप, और वहीं पर आप देख रहे हैं कुछ खित्ते के लोग ऐसे हैं जिनको लगातार काम मिल रहा है, जिनको लॉन्च किया जा रहा है, जिनको आने से पहले ही जिनके पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जलन होती है लोगों से कभी कभी? आपको हुआ है कि कोई यार ये तो मैं कर सकती थी, क्यों ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके नहीं, पास नहीं, नहीं. है? आई सपोज ऐसा कभी कभी लगता है कि यार इसको ये रोल मिला बिकॉज शी इज प्रीटियर देन आई एम, और शी इज गॉट मोर स्टैंडिंग इन द इंडस्ट्री देन आई हैव. थोड़ा बहुत लगता है, ऑफकोर्स लगता है, बट जब यंगर थी तब ज़्यादा लगता था, अब नहीं लगता इतना. क्योंकि मैंने ये भी देखा कि यार जो किया है काम लोगों ने वो भी किस तरह का काम है, वो भी तो देखना चाहिए ना. ये मैं करना चाह रही थी क्या सचमुच? नॉट रियली. हाँ, वो ज़माना जब इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही थी तब मुझे उम्मीद थी कि मुझे भी इस तरह की फिल्मों में काम मिलेगा, लेकिन वहाँ भी स्टार सिस्टम थी. नसीर, ओम, शबाना स्मिता, उसके अलावा कितनों को काम मिला? इन लोगों ने भी सेम चीज़ की ना. फाइनली इट्स ईजियर. नाम आपके प्रोजेक्ट के साथ चिपक जाए तो आपको फाइनेंस रेज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और उन बेचारों को तो सचमुच मुश्किल हो रही थी फाइनेंस रेज करने के लिए. तो ये नाम होना उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया, और वो उन्हीं के भक्त बन के बैठ गए. बाकी हम लोगों को हेलो स्मॉल पार्ट्स, इधर उधर फिटिंग हो जाओ, प्रॉप अप दिस फोर, वो भी किया हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो मिला हम सबको. But that's not in your hands. You can't do anything about it. पर आप लोग तो दोस्त थे ना आपस में. हाँ. तो फिर लगता था कि भाई तुमको मिल रहा है काम. हाँ हाँ, बोलते भी थे. सब लोग बोलते थे. Of course, of course. सतीश ने तो नसीर को कई बार कहा कि तुम साले तुम तो सस्ते में काम करते हो, तुम्हारा ठीक है, तुमको बाहर से दूसरी जगह से पैसा मिलता है, मेरा क्या, मैं तो इसी पे जीता हूँ ना. तुम अगर कम लोगे तो सोचो मुझे क्या मिलेगा, जाने भी दो यारों में. आई रिमेंबर ये बहुत डिस्कशन हुआ था, सब लोगों ने नसीर को डांटा था कि तुम तो पैसे नहीं लेते हो, फिर वो लोग उम्मीद करते हैं कि हम भी ना लें तो हम घर कैसे चलाएंगे भाई. एंड बहुत इंतज़ार किया है सब ने. एंड आई थिंक सतीश इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर. एंड एट द मोमेंट व्हाट इज ही इज डूइंग फनी पार्ट्स, दैट्स ऑल ही इज डूइंग. उसका पूरा पोटेंशियल कहाँ टैप हो पाया? पीपल लाइक पंकज एंड ऑल मेड अ वे फॉर देमसेल्व्स इन टेलीविजन, वो अलग हुआ बाद में. But a lot of actors didn't get what they deserved and what they were capable of. But that's the nature of the beast. I mean, ये है, ऐसा होता है. मतलब कोई
किसकी कमी की वजह से हुआ, इंडस्ट्री इसी तरह की है, ऐसा ही होता है? I suppose so. It's such a finance heavy business now. I think that determines a lot of decisions. Also, anyway, होता है. In short, उसके बारे में जितना विचार करो उतना इंसान कुड़ता है. हाँ. तो और क्या हो, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता. अपने आप को बदल के अपने आप को बेटर करते रहो. दैट्स द प्रिंसिपल आई फॉलोड एंड इट हैज वर्क्ड फॉर मी. एटलीस्ट इट हैज वर्क्ड. अभी आजकल का कंटेंट देखती हैं आप, जो फिल्में आ रही हैं? यस, थोड़ा बहुत देखती हूँ. एक तो बहुत फ्लड में आ रही है चीज़ें, यू नो, मतलब सब कुछ मैचअप करना, कैचअप करना बड़ा भारी है. एक एपिसोड यहाँ देख लिया, इसका क्या हो रहा है, किस तरह का आइडिया है, वो थोड़ा बहुत आ जाता है. बट कोई ऐसी चीज़, मुझे OTT इज सो क्राउडेड एंड सो बिजी कि कोई भी मुझे चीज़ में इन्वेस्ट करने में तकलीफ हो रही है. कमिट करने में क्या आ रही है, तकलीफ हो रही है. मैं करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि जो अपना काम किया एटलीस्ट देखना तो पड़ता है ना. तो उतना देखती हूँ. बच्चों ने जो किया है वो भी देखना पड़ता है. मियाँ ने जो किया है वो भी देखना पड़ता है. दोस्तों ने किया है वो भी देखना पड़ता है. तो वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं. बट द फैक्ट इज के हम शायद अपने पैरों पे फिर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रहे हैं. कैसे? इन द सेंस के इतनी क्वांटिटी है, रिक्वायरमेंट, क्वालिटी इज सफरिंग बिग टाइम. बजट्स आर बीइंग कट वेरी ड्रास्टिकली एंड द फ्री फ्लोइंग फंड्स ऑफ OTT जिसके आधार पे सब लोग निकल पड़े थे इस दिशा में, वो जरा अब कम हो रहा है. एंड व्हाट इज मोर डेंजरस, फिल्में बहुत फ्लॉप हो रही हैं. तो वो सारे बंदे अभी इस पे नजर डाले हुए हैं. हो रहा है क्या, क्योंकि अब जो बड़े लोग फिल्मों में काम करते थे वो सब लोग OTT पे आ रहे हैं, तो वो ही मुझे ज्यादा पैसा जा रहा है प्रोबेबली. एंड द मूड विल चेंज. जो टेलीविजन के साथ हुआ, मुझे डर है OTT पे भी वो होना होगा. बट आई थिंक हिंदुस्तान का जी ही नहीं भरता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, या तमिल फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म, वो सारी, वो जो मूड है हमारा कि हमारी दुनिया से कोई सरोकार नहीं. कोई एक ऐसी मैजिकल दुनिया है जहाँ हीरो एंड हीरोइन आर परफेक्ट. चलिए, अब आखिरी में यही कि अभी आने वाले दिनों में थिएटर को लेकर भी और अपने फिल्मों को और वेब सीरीज को लेकर भी क्या आप करने वाली हैं, कहाँ कहाँ हम आपको देखने वाले हैं? ओके, फिल्मों में तो एक फिल्म आने वाली है, होपफुली जल्दी आएगी. वो है धक धक. इट्स अ फिल्म बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय तापसी पन्नू एंड हर पार्टनर्स एंड डायरेक्टेड बाय तरुण दुदेजा. एंड चार औरतों की कहानी है जो कि मोटरसाइकिल पे खारडुंगला जाती हैं ट्रिप करने. इट्स अ रोड मूवी ऑफ दीज फोर वुमेन ऑन अ रोड ट्रिप, मोटरबाइक ट्रिप टू खारडुंगला. आपने चलाई? आई एम वन ऑफ देम. आई वाज सो एक्साइटेड. सीखी बाइक आपको आती? सीखी नहीं, आती नहीं थी, थोड़ी इनफ टू राइड फॉर द शूट. अच्छा. वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन बाबा, सबको हटा देते थे वो. कभी भी कोई एक दूसरा बंदा, एक्सेप्ट जो साथ में ट्रैफिक में भी दिखाना होता था तो अपने ही बंदे थे ताकि हमको कुछ हो नहीं. कौन सी? मैं बंबई की सड़क पे तो कभी ना चलाऊं. रॉयल एनफील्ड चलाई आपने? जी, 350cc. ब्यूटीफुल. इट वाज फैबुलस. बहुत मजा आया एंड बहुत मलाल हुआ कि ये पहले क्यों नहीं किया. सो एक वो है. बाकी बहुत फिल्मों का काम नहीं है मेरे पास और OTT पे भी अभी कुछ नहीं है. मगर नाटक नया करने वाले हैं हम लोग. दिस इज अ प्ले कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑन इन नवंबर वी प्लान टू ओपन इन द पृथ्वी फेस्टिवल. तो इस साल वो करेंगे, अंग्रेजी में होगा. नसीर और मैं जस्ट दो कैरेक्टर्स हैं एंड आर्घ्य लाहिरी जो हमारे लाइटिंग डिज़ाइनर और एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं नसीर के साथ, वो डायरेक्ट करने वाले हैं. So that is what it's is in my future, and hopefully more Gujarati films. I'm looking forward. मुझे बहुत मजा आया. मैंने पिछले साल एक गुजराती फिल्म की जिसका नाम था कच्छ एक्सप्रेस. वो हिंदी में डब होकर के शेमारू पे आने वाली है. वो जरूर देखिए. मैं आई वुड लाइक टू प्लग इट. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गुजराती फिल्म. गुजराती फिल्म तो है ही है इंटरेस्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इवन एज अ फिल्म इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. तो आई एम होपिंग कि अब और गुजराती फिल्में भी मिलेंगी. मुझे बहुत मजा आया वो जबान बोलने का. हाँ. बहुत दिनों बाद अपनी मादरी जबान बोली है मैंने. फ्लुएंट है ना जी गुजराती? एक्चुअली आई एम क्वाइट गुड एट मेनी लैंग्वेजेस. मुझे
माँ का की विरासत मिली है वो, कि माँ बहुत ज़बानें बोलती थी और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी, कितना अच्छा बोलती थी मुझे मालूम नहीं मगर कॉन्फिडेंटली बहुत बोलती थी। सो बोलती हैं गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, पारसी, बिकॉज मैं पारसी कॉलोनी दादर में पली बड़ी, पंजाबी क्योंकि मेरे पिताजी पंजाबी थे, बहुत अच्छी नहीं बोलती पंजाबी लेकिन समझती बिल्कुल हूँ, और धक धक में पंजाबी औरत का रोल किया तो बोलना पड़ा, तो और ज़रा ज़बान साफ हो गई, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो यस इट्स एक्साइटिंग कि अलग ज़बान में काम करने का मजाक, बहुत मज़ा आया मुझे इस बार। अगर तमिल या तेलुगु होती तो मालूम नहीं कैसा होता, बट गुजराती में मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम होपिंग कि मराठी में भी कोई मुझे ऑफर करेगा। थैंक यू सो मच रत्ना जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और एक छोटी सी चीज़ है कि ये न्यूज़ क्लिक का कैमरा है, एनसी हैंगआउट हमारे शो का नाम है, तो अगर आप कहना चाहें आपको ये बातचीत कैसी लगी, लोग हमको सब्सक्राइब करें या ना करें, इस बातचीत को देखें या ना देखें, आप इसमें बता सकते हैं। ओके, नमस्कार, आदाब। मैंने आज सत्यम फ्रॉम न्यूज़ क्लिक से बात की है, बहुत मज़ेदार हमारा कॉन्वर्सेशन रहा। मुझे लगता है कि आज हम ऑफिशियल न्यूज़ मीडिया पर भरोसा कैसे करें, ये विचार बार बार आता रहता है मेरे दिमाग में, तो आता है डेफिनेटली, और मुझे मज़ा भी नहीं आता सुनना जिस तरह की चीज़ें दिखाते हैं वो लोग। सो इसीलिए ऑल्टरनेट न्यूज़ मीडिया को मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं वहाँ अपने समाज में क्या हो रहा है, लोगों के विचारों में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, हम किस तरह की दुनिया के बारे में कल्पना कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी भी मिलती है, और अलग तरह के लोगों से मैं रूबरू भी हो पाती हूँ। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी ऑल नीड टू डू। आज हम लोगों को सचमुच हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे अलग भारतीयों के क्या विचार हैं, हम सब के विचारों को सुनने की, समझने की ज़रूरत है। इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमको भी चांस मिलता है अपनी बात कहने का, दूसरों की बातें सुनने का। आपको भी अगर इसमें दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी अपना क्या कहते हैं विचार का भंडार खोलने की कोशिश कीजिए।